अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ब्रिंजल का भरता। ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, आप एक बार हमारे तरह ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम लेमन डाल करके बनाएंगे बिहार का फेमस भरता बैगन का। आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ ब्रिंजल यानी बैगन का भरता। बैगन का भरता तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। कि बैगन मैंने लिया है 450 ग्राम, दोनों बैगन मिला करके 450 ग्राम है। तो इसको हम अच्छे से वाश कर लिए हैं। अब इसको हम अंदर से चाकू से चीर लगा लेते हैं, दो तरफ से हम चीर। तो इसमें हम लगा लेंगे चीर, दोनों तरफ से हम चीर लगा लेंगे बीच बीच से, इसे हल्का। तो इसमें हम लगा लेंगे चीर, देखिए दोनों तरफ से होल कर लेंगे, इधर से भी कर लेंगे और इधर से भी इसको होल कर लेंगे बीच बीच से, पकने में आसान रहेगा। दोनों बैगन में हम ऐसे इस तरह करके हम होल कर लेते हैं तो पकने में बहुत आसान रहेगा। अब चलते हैं गैस की तरफ, पका लेते हैं गैस पर। गैस को ऑन कर दिए हैं, बैगन को हम गैस पर रख देते हैं जाली के ऊपर, पकने के लिए रख दिए हैं बैगन को। तो देख सकते हैं बैगन पकना शुरू हो गया है। गैस को मीडियम फ्लेम नहीं करेंगे, लो फ्लेम कर दिए हैं, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा, बीच से कच्चा रह जाएगा। तो स्लो कर दिए हैं गैस को, 10 मिनट लगेगा पकने में। तो आप देख सकते हैं बैगन को हम पलट देंगे, इसे पलट पलट के पका लेंगे। तब तक हम मसाला तैयारी कर लेते हैं, क्या क्या मसाला डलाया गया इसमें। आप देख सकते हैं बैगन अच्छे से पक चुका है, पलट पलट दिए हैं, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, कहीं कच्चा अच्छा नहीं रहा है। अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, बैगन को ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। हम ठंडा होने के लिए बैगन को रख देते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं। अब इसमें क्या डलाएगा, तो ये है मसाला, ये सूखी मिर्च है 4 लिए हैं और हरी मिर्च है अपने अंदाज से लिए हैं, और एक टुकड़ा है ये अदरक का, इसको हम बारीक सा कर लेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। और ये है लहसुन, तो लहसुन को हम छिलका उतार लिए हैं, और इसको हम थोड़ा सा हल्का भून लेंगे सबको, फिर हम ग्राइंड करेंगे। और ये है प्याज, तो मैं चॉप कर लिए हैं, थोड़ा सा बारीक सा है, तो इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम बनाएंगे कैसे बैगन का भरता। तो आप देख सकते हैं हरी मिर्च, दो हरी मिर्च काट लिए हैं प्याज में, सो फ्राई करेंगे। ये सूखी मिर्च, अदरक नहीं फ्राई करेंगे, हरी मिर्च फ्राई कर लेंगे, लहसुन फ्राई कर लेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन कर दिए हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई का पानी सोख रहा है, अभी सूखा भी नहीं है पानी, तो पानी सूख चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, फ्राई करने के लायक डालना है। तेल गर्म हो चुका है, हम डालेंगे सूखी मिर्च। तो आप देख सकते हैं 3 चीज़ हम डाले हैं, सूखी मिर्च है, हरी मिर्च है, लहसुन है, और आवाज़ें आ रही थी ना, उसमें पानी था, मैं धुली थी, लहसुन धुली थी, सूखी मिर्च धुली थी और हरी मिर्च धुली थी, इसलिए पानी की आवाज़ें आ रही हैं, छींटा आ रहा है। हल्का सा फ्राई करके हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको निकाल लेंगे।
अब ये प्याज और हरी मिर्च, इसको हम डाल के फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई हो रहा है, गैस को स्लो कर दिए हैं। तब तक हम बैंगन को देख लेते हैं, इसको छिलका उतार लेते हैं बैंगन को। तो देखिए बैंगन का हम छिलका निकाल लेते हैं। मिक्सी जार में डाल दिए हैं, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। प्याज हरी मिर्च ब्राउन हो गया है, इसमें हम बैंगन डाल कर मैश कर देते हैं। बैंगन डाल देते हैं, देखिए बैंगन को अच्छे से छील लिए हैं, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम मैश कर लेंगे अच्छे से, फिर पूरे मसालों को मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले को हमने डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती, इससे क्या होता है कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है, टेस्ट बहुत स्वादिष्ट होता है। अब हल्का सा हम मैश कर देंगे बैंगन को धनिया पत्ती के साथ साथ ही, फिर हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा भरता बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा, खाने में कितना टेस्टी लगेगा। ये बिहार का फेमस भरता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। इंडिया में तो सभी लोग खाते हैं ना भरता, कौन नहीं खाएगा। इतना चटपटे बनता है, टेस्टी बनता है भरता, तीखा चटपटे मज़ेदार बनता है, तो इसको कौन नहीं खाएगा। तो ये फेमस है बिहार का, हमारे तरह एक बार जरूर ट्राई करें। हमारा वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों में ना भूलें। तो देखिए आज का भरता आप एक बार जरूर ट्राई करें हमारे तरह। बन के रेडी हो गया है, अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसमें हम डालेंगे लेमन, तो लेमन से और टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। आधा लेमन को मैंने कट कर लिया है, इसको हम इसमें जूस बना के डालेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगेगा लेमन डालने से। डाल दिए लेमन, धनिया के पत्ती से गार्निश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं धनिया के पत्ती से गार्निश कर लिए हैं। आप टेस्ट कीजिए एक बार, कमेंट करके बताइए हमारे तरह बना करके। तो मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी लेकर आऊँगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।